नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तो ये नया एक मॉडल अपने पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो। फ्यूजियन लेंस बोल के कुछ है इसका, 18x ऑप्टिकल। ऐसा लुक वाला लेंस आप पहली बार देख रहे हो शायद। इसको लगाने के बाद आपका जो मोबाइल है वो पूरा कैमरा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे M10N का लोगो है, क्योंकि ये M10N के अंदर बन रहा है, तो ये M10N है। और इसका ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कितना कैसा आउटपुट इसका आता है। तो आपको अगर ये बाय करना है तो ये जो नंबर है यहाँ से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो इजीली। तो इसको अटैच करने के बाद लेंस को मोबाइल पे आपको ऐसा एक मैग्नेट मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली हमको 1.9x या 2x जितना जूम करना पड़ेगा, 1.9x हम करते हैं। और आप देख सकते हो कि ब्लैक बॉर्डर रिमूव है। ये हाई मैग्नीफिकेशन वाला लेंस है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ऐसा विग्नेट मिल जाएगा। अभी इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट पे ट्राई करेंगे। लिविंग ऑब्जेक्ट अगर मिलता है तो वहाँ पे ट्राई करेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट आ रहा है। तो देख सकते हो कितना मैग्नीफिकेशन है इसके, पूरा कंप्लीट फ्लैट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। और कुछ अगर ऑब्जेक्ट मेरे को मिले तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड होल्ड हो जाओ। ये देख सकते हो कितना शार्प है। तो ये लेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। ये पोजीमार का वन ऑफ टॉप मॉडल हो सकता है। अभी इसका ड्यूरेशन है लगभग 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, और इसमें आपको इतना क्लियरिटी वाला फोटोज़ आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। मैं इस साइड से लेने की कोशिश करूँगा। ये है इसका रिज़ल्ट। अभी लो लाइट है, बाकी और कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे को मिलता है तो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ। लेंस को नॉर्मली बैकग्राउंड पे रखने के बाद ठीक ऐसा कुछ आउटपुट देता है, आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कैसा दिखता है। ऑब्जेक्ट पे फोकस ना करे तब भी कुछ एक ऑब्जेक्ट मिला है मेरे को, उस पर ट्राई करते हैं फोकस करने को। ये इतना छोटा ऑब्जेक्ट है फिर भी आप देख सकते हो कैसा रिजल्ट। ये उड़ गया यहाँ पे। मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्ट्स पे दिखाऊंगा। मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस हम देखने वाले हैं अभी इस टाइम पे, तो मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस है लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैक्सिमम फोकल डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर में ऐसे फोटोज़ आते हैं। और अगर थोड़ा सा दूरी मेंटेन करें, मतलब क्लोज जाए, तो क्लोज पे आपको ऐसा आउटपुट मिल जाएगा जो है लगभग 2 सेंटीमीटर। तो ये आपको एक अच्छा खासा आउटपुट देने वाला है लगभग, ठीक है।